आपके लिए सावधानी भरी खबर। आप अपने घर या होटल में मांगलिक कार्यक्रम कर रहे हैं तो खुशियों के साथ सावधान भी रहें, नहीं तो चोरों की कारस्तानी से आपकी खुशियों में ब्रेक लग सकता है। संगम नगरी में 4 स्टार होटल से 4 सेकंड में कैमरे के सामने से 5.5 लाख से ज्यादा की चोरी करके चोर रफू चक्कर हो गए। चोरों की तलाश पुलिस कर रही है। शहर के सबसे आलीशान होटल में अपनी बेटी की सगाई का सपना देखा था चंद्र प्रकाश गुप्ता ने, और इसी सपने को सच करने के लिए शहर के सबसे बड़े होटल कान्हा श्याम को बुक भी किया। सगाई समारोह की रस्में भी शुरू हो गई। कविता ने अपने बहू को खूबसूरत फूलों का हार पहनाया तो सभी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन इसी बीच चोरों की नजर चंद्र प्रकाश की खुशियों में लग गई। चोरों ने 4 सेकंड में गहनों और रुपयों से भरा बैग पार कर दिया। सभी के सामने ये चोर हॉल से अपने कोट से छुपाकर बैग लेकर निकल पड़ा। बाहर चोर का एक साथी पहले से ही मौजूद था। दोनों होटल की किचन से बने रास्ते से होटल से बाहर निकले और दौड़कर भाग गए। जब होने वाली बहू को गहना पहनाने की बारी आई तो सभी लोग बैग ढूंढने लगे, लेकिन बैग वहाँ हो तब तो मिलेगा। फिर वीडियोग्राफर का वीडियो देखा तो लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। चोर पहले से रेकी कर रहा था और मौका मिलते ही नोट और गहनों से भरा बैग लेकर आराम से निकल गया। चोरी के बाद रूखे मन से सगाई की रस्म अदा की गई। फिलहाल चंद्र प्रकाश ने सिविल लाइंस थाने ने FIR करा दी है। सिविल लाइंस पुलिस वीडियो और होटल के CCTV के आधार पर चोरों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। 12 मई को होटल कान्हाश्याम में मैं अपने बेटे के सगाई समारोह में परिवार, रिश्तेदारों, मित्रों के साथ उपस्थित था। सगाई का कार्यक्रम चल रहा था। हमारी पत्नी जो है स्टेज पर होने वाली बहू को टीका वस्त्र आदि कर रही थी। इसी बीच उनका बगल में रखा हुआ बैग जिसमें आभूषण, नगद कुल मिला के करीब 5 लाख के लगभग का सामान था। वेटर की ड्रेस में एक व्यक्ति जो कि पहले भी वहां पर एक सीट पर बैठा था, संदिग्ध अवस्था में था, लेकिन कार्यक्रम के कारण उसके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया जा पाया, बैग को लेके जो है वहां से गायब हुआ। जब पत्नी को पता चला कि बैग गायब हो गया तो हम लोग एकदम दौड़ धूप करना शुरू किया, होटल प्रशासन को जो है किया, लेकिन कोई मदद उनकी तरफ से नहीं मिली। जो वीडियोग्राफी कर रहा था उसी से हम लोगों ने फुटेज निकाला तो हम लोगों को दिखाई पड़ा कि एक वेटर की ड्रेस में व्यक्ति सामान को लेके भागा है। होटल के प्रशासनिक कर्मचारियों को बुला के उनसे कहा गया, लेकिन किसी भी तरह की उन लोगों ने हमारी मदद नहीं की।